दोस्तों ओप्पो अपने दो नए स्मार्टफोन ओप्पो F17 और F17 प्रो को जल्दी ही लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दो स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। बात करने वाला हूँ क्या होने वाले इनके स्पेसिफिकेशन, क्या इस स्पेसिफिकेशन में जो इसकी प्राइसिंग रखी जाने वाली है क्या वो प्राइसिंग अपने स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करती है या नहीं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईके टेक्निकल्स। वाईके टेक्निकल्स के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले F17 और F17 Pro के लुक्स की बात करूं तो फोन कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ भी तरीके से कम नहीं लगता है। फोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगता है, साथ ही साथ काफी ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इसके साथ जो फोन में हमको डिजाइन और फोन के कलर्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा अच्छे देखने को हमको मिलता है, यानी फोन देखने के मामले में किसी भी तरीके से कम नहीं है। इसके साथ अगर फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर फोन के रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2400x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, यहाँ पर अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करूँ तो आपको 409 पिक्सल डेंसिटी फोन में देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें फोन में लगे हुए प्रोसेसर की, तो फोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक का हीलियो P95 प्रोसेसर है। इसके अंदर फोन में लगे हुए प्रोसेसर की बिट्स की बात करूं तो ये 64 बिट्स पर काम करने वाला एक प्रोसेसर होने वाला है। इसके साथ फोन के वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर रैम की बात करूं तो रैम तो ठीक ठाक लगी हुई है फोन में, लेकिन अगर स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको केवल 128GB का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इतनी भी ऑब्वियसली कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फोन में आपको एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 256GB तक SD कार्ड को सपोर्ट करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन में लगे हुए कैमरा की, तो बैक में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही 8 मेगापिक्सल को आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको मोनोक्रोम सेंसर फोन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बैक के कैमरा की बात करूं तो ठीक ठाक है, इतना अच्छा कैमरा आपको बैक में देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ अगर फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको फ्रंट में ड्यूल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ अगर फ्रंट के कैमरा की बात करो तो फ्रंट का कैमरा भी उतना अच्छा खासा हमको देखने को नहीं मिलता है। हाँ ऑब्वियसली बात है कि 2 कैमरा आपको फ्रंट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी आपको फोन में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों बात करो फोन में लगे हुए बैटरी की, यानी फोन को पावर देने के लिए जो फोन में बैटरी लगी हुई है, तो हमको फोन में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ आपको USB-C टाइप का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि वो का 30W का फास्ट चार्जर है जो कि लगभग 70 से 80 मिनट के आसपास आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। अब इसके साथ बात आती है कि क्या फोन वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं, कि इस स्पेसिफिकेशन में जो हमको प्राइसिंग देखने को मिलती है क्या वो प्राइसिंग अपने स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई कर पाती है कि नहीं। दोस्तों जो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको जो फोन की कीमत देनी पड़ेगी लगभग 24,000 से 25,000 के आसपास आपको फोन की कीमत देखने को मिलेगी। अब मेरे हिसाब से जो फोन की प्राइसिंग रखी गई, प्राइसिंग तो लगभग ठीक है, लेकिन आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो ठीक ठाक ही मिलते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको फोन में बहुत कुछ अच्छा कैमरा देखने को मिले, बहुत कुछ अच्छी फोन की स्पेसिफिकेशन देखने को मिले, बहुत अच्छा आपको फोन में प्रोसेसर देखने को मिले, बस एक नॉर्मल मॉडरेट जैसे आपको सारे स्पेसिफिकेशन फोन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसी फोन को लगभग फोन 20,000 के आसपास लॉन्च होता तो फोन में काफी अच्छा ज्यादा अट्रैक्टिव हमको पैकेज देखने को मिल सकता था, लेकिन अब जो है जैसा है ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से फोन उतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर डिजाइन के मामले में बात करूँ तो डिजाइन के मामले में तो ऑब्वियसली बात है ओप्पो या वीवो के फोन हमेशा ही आगे ही रहते हैं कि डिजाइन के मामले में एक से एक बढ़िया डिजाइन सामने हमारे रखते हैं। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपका ये स्मार्टफोन पसंद आया, क्या इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको इसकी प्राइसिंग पसंद आई नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और साथ साथ वीडियो आपको कैसी लगी ये भी लिखना ना भूलिएगा। इसके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जानती हैं आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।